दिल्ली में एक शादी होने वाली है और ये शादी एक गैंगस्टर की है और दुल्हन भी लेडी डॉन के नाम से कुख्यात है, तो ऐसे में इसकी तैयारियां भी बेहद खास हैं। बैंड बाजा और बारात के साथ साथ शादी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम के भी खास जवान सूट बूट पहनकर शामिल रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवीटी ऑनलाइन और मैं हूं आसिफ इकबाल। दरअसल 12 मार्च को गैंगस्टर काला जठेड़ी की शादी है। जठेड़ी और उसकी लेडी डॉन प्रेमिका अनुराधा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 3 के एक बैंक्वेट हॉल को शादी के लिए चुना गया है। शादी के लिए जठेड़ी को कोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच 6 घंटे की कस्टडी पेरोल मिली है। काला जठेड़ी और अनुराधा की इस शादी पर NIA के साथ साथ 3 राज्यों, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान पुलिस की निगाहें। दरअसल काला जठेड़ी का नाम कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस में शामिल है। जाहिर है उसने जुर्म की दुनिया में भी अपने कई दुश्मन बनाए हैं और इसीलिए पुलिस को अंदेशा है कि उसके ये दुश्मन इस शादी की भीड़ का फायदा उठाने की ताक में होंगे। शादी के मंत्रों और बारातियों के डांस के बीच गैंगवार की गोलियां ना चलें, इसलिए पुलिस की तरफ से ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस को दूसरा डर ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे शादी के बाद काला जठेड़ी को भगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। काला जठेड़ी जुलाई 2021 के बाद से जेल में बंद है और उसे शादी के लिए ही महज 6 घंटे की कस्टडी पेरोल मिली है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि शहनाई के शोर में काला जठेड़ी पुलिस की कस्टडी से भागने की भी साजिश रच सकता है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक द्वारका के जिस बैंक्वेट हॉल में काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी होगी, पुलिस टीमें 2 बार पूरी उस जगह का मुआयना कर चुकी हैं। इसके अलावा पुलिस के अधिकारी बैंक्वेट हॉल मालिक और स्टाफ से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। स्पेशल सेल के साथ साथ क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम से खास जवानों को चुना गया है जो शादी में मेहमानों और बारातियों के बीच शामिल रहेंगे। शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले से ही मांग ली गई है। सभी CCTV को चेक किया गया है और जहां जरूरत है वहां नए CCTV लगाए गए हैं। पुलिस को तीसरी आशंका हरियाणा में सोनीपत के जठेड़ी गांव को लेकर है, जहां शादी के अगले दिन कड़ी सुरक्षा के साथ काला जठेड़ी को ले जाया जाएगा। इसके लिए भी पुलिस के खास जवानों की तैनाती की गई है। फिलहाल गांव में काला जठेड़ी की प्रेमिका अनुराधा उसके बूढ़े माँ बाप के साथ रहती है। काला जठेड़ी की शादी में महज 5 दिन का वक्त बचा है और पुलिस इसे लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 37 साल का गैंगस्टर काला जठेड़ी फरवरी 2020 में हरियाणा पुलिस की हिरासत से भाग गया था। 12 राज्यों में 6 महीने की तलाश के बाद उसे 2021 में सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी पर 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। लेडी डॉन अनुराधा 9 साल पहले राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के संपर्क में थी और उसके गैंग को ऑपरेट करती थी। उस समय आनंद पाल राजस्थान के गैंगस्टर राजू बसोदी के टारगेट पर था। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद लेडी डॉन अनुराधा राजू बसोदी के टारगेट पर आ गई। बसोदी से बचने के लिए उसने बलबीर बानूड़ा का हाथ थाम लिया था। बलबीर बानूड़ा के पकड़े जाने के बाद अनुराधा लॉरेंस के संपर्क में आ गई, जहां उसे काला जठेड़ी मिला और फिर दोनों के बीच पनपी मोहब्बत अब शादी के अंजाम तक पहुंच चुकी है। तो काला जठेड़ी की शादी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हो रही है, लेडी डॉन से उसकी शादी हो रही है, साथ साथ 3 राज्यों की पुलिस यहाँ मौजूद रहेगी। देखते रहिए NBT ऑनलाइन।